जरूर। गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते। आज हम आपको कक्षा 3 में पढ़ाएंगे पर्यावरण के अंतर्गत लेसन 12, पाठ 12, और उसमें है काम अपने अपने या अपना अपना काम। अपना अपना काम सभी कोई करता है, किसी भी विशेष कार्य के लिए हमें किसी न किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि हम खेती का कार्य करते हैं तो हमको दवाई के लिए या अपने उपचार के लिए डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर का कार्य है उपचार करना, मरीजों को देख करके दवा देना और उनका उपचार करना। इसी तरह किसान का कार्य है अनाज उगाना, सबके लिए अनाज उगाना। अगर किसान अनाज ना उगाए तो हमें अनाज नहीं मिलेगा। हमारे देश में अनाज का उत्पादन यदि ना हो किसान लोग, तो कहां से अनाज आएगा। तो किसान का कार्य है अपना कृषि कार्य करना। अब हमको भवन बनवाना है, मकान बनवाना है, तो मकान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मिस्त्री के ऊपर और मजदूर के ऊपर जो है निर्भर रहना पड़ेगा। बिना उनके हमारा मकान नहीं बन सकता, हमारा भवन का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि वो मिस्त्री, वह कारीगर वह काम जानता है। हम प्रत्येक व्यक्ति, एक ही व्यक्ति या कोई प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य को अपने आप नहीं कर सकता, उसे किसी न किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग लोग रहते हैं जिनके द्वारा काम कराना पड़ता है। मिस्त्री है वो ईंट गारा का काम करके भवन निर्माण का काम करता है, फिर इसके बाद बढ़ई है लकड़ी का कार, तथा जितने भी लकड़ी के कार है, फर्नीचर है, भवन में लगना है, खिड़की दरवाजा इत्यादि, वह लकड़ी के कार के लिए हमको बढ़ई के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। इसी तरह से लोहार है, लोहे के कार जितने भी है, लोहे के काम या लोहे के दरवाजा या खिड़की या बेंच या टेबल या कुछ भी, कुर्सी, कुछ भी जो भी बनवाना है रोशनदान, वो सब कौन करेगा, लोहार करेगा, क्योंकि वह उस काम को जानता है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षक ही शिक्षा दे सकता है, आप खुद अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि आपको शिक्षक के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा और आप जो है तुरंत ही प्रत्येक कार्य को नहीं कर सकते। इसलिए अर्थात कहना, ड्राइवर है, वाहन चलाता है, यदि हम सब कुछ अपने ही हाथ से कर लें तो हमें किसी की जरूरत न पड़े, किंतु नहीं, जरूरत पड़ती है। ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना, हमारा काम है, यदि हम शिक्षक हैं तो हमारा काम है बच्चों को शिक्षा देना, और हमारा काम जब होता है तो हमें भी उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। वो चाहे डॉक्टर हो, डॉक्टर को भी मिस्त्री के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर
और सबके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। तो अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि सभी लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। जिसको जो कोई जैसा जो कार्य जानता है उसके आधार पर उसका कार्य उसे करना पड़ता है, तभी सभी के काम सफल होते हैं और यह समाज चलता है। हमें समाज में सबसे मिलकर रहना पड़ता है, सभी से काम हमारा पड़ता है, सभी से काम अटकता है। यदि हम किसी से द्रोह करें या विद्वेष करें तो हम कार्य अपना नहीं करवा पाएंगे, अर्थात हमको कार्य करना ही पड़ेगा। इसलिए हमको जो है कार्य करना पड़ता है और कार्य करना ही हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पर पाठ में दिया गया है कि एक यहाँ पर विभिन्न प्रकार के चित्र बने हुए हैं, जो सफाई वाले हैं सफाई का कार्य कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं रोड में। देखिए दिखाया गया है डाकघर है, डाकिया लोग अपना डाक का काम कर रहे हैं, बैंक कर्मचारी बैंक का काम कर रहे हैं, और एक मकान बन रहा है, मकान का कार्य मिस्त्री और लेबर मजदूर कर रहे हैं। इसी तरह से फल वाले दुकानदार हैं, दुकान का काम वह फल वाले करते हैं, किराना स्टोर वाले अपना किराना का सामान यहाँ से वहां ला करके अपनी दुकानों में रखते हैं और उनको बेचते हैं। क्योंकि हमें हर चीज की आवश्यकता होती है, वह चीजें हमको कहीं एक जगह नहीं मिलती हैं, हर जगह हमको अलग अलग कार्यों के लिए वहां जाना पड़ता है। रोज की तरह बलबीर नाश्ता करके पहुंच गया चाय की दुकान पर। आज उसके साथ गांव से आया हुआ उसका भाई सतविंदर था। चाय वाले ने चाय पकड़ाते हुए कहा, लो अखबार भी पढ़ो, तो आप यहाँ दिन भर समय कैसे काटते हैं, बैठे बैठे ऊब नहीं जाते? सतविंदर ने पूछा चाय वाले से, आप यहाँ अपना समय कैसे काटते हैं, दिन भर इसी दुकान में रहते हैं, उठते नहीं हैं? तब फिर उसने कहा कि अरे समय तो यूं निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। वहां देखो बच्चों को रोज की तरह स्कूल पहुंचाने में देर हो गई है, भाग रहे हैं सब। अब मैडम भी आज देर से आई हैं, अरे लगता है कि उनकी सैंडल टूट गई है। जब अब जा रहे हैं जग्गू भाई के पास सैंडल ठीक करवाने, अच्छा है जग्गू की सुबह सुबह कमाई हो गई, अर्थात हमारा जूता चप्पल टूट जाता है तो हमको किसके पास जाना पड़ता है, मोची के पास। मोची हमारा जूते चप्पल की सिलाई करता है और जूते चप्पल बनाता है, अर्थात वह उस कार्य को जानता है, इसलिए हमको उसके पास जाना ही पड़ेगा। आगे दिया है, वहां चंपा बैठी है अपनी फूलों की टोकरी सजा करके। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाली मैडम रोज सुबह उसके फूल खरीदती है। फूल वाले माली हैं जो माला बनाते हैं, उनका काम यही है कि वो फूल के माला बना करके या फूल बेच करके अपना रोजगार चलाते हैं, काम करते हैं। रोज सुबह फूल खरीदती है। ट्रक में सामान आ रहा है, मकान का काम जैसे शुरू हो गया है, मजदूर मिस्त्री इत्यादि दिन भर काम में लगे रहेंगे। उधर अस्पताल की तरफ देखो, डॉक्टर और नर्स साथ साथ आ रहे हैं। उस रामलू को देखो, फल के ठेले के साथ आजकल वह चिनम्मा को भी
अपने साथ में काम पर लाता है। चिनम्मा दौड़कर फल पहुंचाती है, पैसे इकट्ठे करती है। वहां नानू भाई अपनी दुकान खोलकर हजामत करने के लिए तैयार बैठे हैं, पर किसकी करें। चौराहे के बीच खड़ा है इकबाल सिंह, जो दिन भर सीटी बजाता है। पी-ई-ई-ई गाड़ी इधर से उधर निकलती नहीं, सुना नहीं, ठेला उधर करो। तो इस तरह से जो चौराहे में एक सिपाही खड़ा रहता है, उसका काम यही है कि इधर से उधर साइड बताना और गाड़ियों को जो है दिशा बता करके उनको रोकना या आगे बढ़ाना। इस तरह से आपने जाना कि तमाम तरह के अलग अलग लोग अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। यहाँ पर दिया गया है स्कूटर ठीक करने वाले को क्या कहते हैं, मैकेनिक कहते हैं, और पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, शिक्षक कहते हैं। मकान बनाने वाले को क्या कहते हैं, मिस्त्री कहते हैं या कारीगर कहते हैं। लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई कहते हैं। गाड़ी चलाने वाले को ड्राइवर कहा जाता है। फूलों का काम करने वाले को माली कहा जाता है। लोहे का काम करने वालों को लोहार कहा जाता है। इस तरह से सबको अलग अलग नामों से दिया गया है। चित्र में कुछ इमारतें दिखाई गई है, वहां पर इन इमारतों के नाम पर लाल रंग बनाओ, उन्हें तुम्हारे आसपास जो इमारतें हैं उन पर हरे या किसी और रंग से बनाओ। जैसे डाकघर है, डाकघर यदि आपके पास है तो उसमें इसमें रंग भरना है, डाकघर दिया गया है। अस्पताल है, मंदिर है, टेलीफोन बूथ है, स्कूल है, कॉलेज है, सरकारी दफ्तर है, गिरजाघर है, बहुमंजिला मकान है, मस्जिद है, सिनेमा घर है, पेट्रोल पंप है, धर्मशाला है, होटल है, पुलिस थाना है, दुकान है, रेलवे स्टेशन है, बस अड्डा है, बैंक है, गुरुद्वारा है, कचहरी है। तो ये सब स्थान है जहाँ पर भिन्न भिन्न तरह के कार्य होते हैं। मंदिर में पूजा होती है, मंदिर में लोग आस्था वाले लोग आते हैं, माथा टेकते हैं और भगवान का पूजन अर्चन करते हैं। मस्जिद में मुस्लिम भाई जा करके अपनी नमाज अदा करते हैं। गुरुद्वारों में हमारे सिख भाई जा करके अपना गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं और लोगों को भोजन कराते हैं। गिरजाघरों में जो है ईसाई भाई जा करके अपने गॉड की प्रेयर करते हैं। इस तरह से सभी जगह अलग अलग तरह के कार्य होते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है इमारत का नाम और क्या क्या काम होता है। इमारत का नाम अस्पताल है, जैसे अस्पताल में बीमारों का इलाज होता है, बच्चों को टीका लगता है। स्कूल है, बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है। मंदिर है, वहां पूजन अर्चन किया जाता है भगवान का। कारखाना है, वहां पर दवाइयां बनाई जाती हैं, सामान तरह तरह के अन्य सामान बनाए जाते हैं। और इस तरह से पेट्रोल पंप है, वहां पर पेट्रोल मिलता है। अस्पताल है, लोगों का इलाज किया जाता है। और इसी तरह से अन्य जैसे डाकघर है, वहां पर डाक संबंधी चीजें मिलती हैं और पत्र इत्यादि यहाँ से वहां पहुंचाए जाते हैं। तो ये अलग अलग स्थान है जहाँ पर ऐसे जगह में अलग अलग तरह के काम होते हैं। दीपाली भी ऐसे ही एक लड़की है जो स्कूल नहीं आती, आओ उसके बारे में जानें। दीपाली अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है। उसके पिताजी सब्जी की
रेहड़ी लगाते हैं, माने कहने का मतलब सब्जी की दुकान करते हैं, वे सुबह 4 बजे ही मंडी चले जाते हैं। उसकी माँ लोगों के घर बर्तन साफ करती है, वह भी बहुत जल्दी घर से चली जाती है। दीपाली अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाती है, घर की सफाई साथ साथ बर्तन भी मांजती है। उसे रेडियो सुनने की बहुत शौक है, काम करते समय वह साथ साथ गाने भी सुनती रहती है। काम खत्म करने के बाद वह अपने छोटे भाई राजू को पिताजी की रेहड़ी पर छोड़ती है, फिर अपनी छोटी बहन सुमन और शीला को स्कूल ले जाती है। उसके बाद दीपाली अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाती है। दोपहर को वह अपने भाई बहनों को फल लाती है। शाम को वह सभी बच्चों के साथ गली में खेलती है। शाम को ढलते समय उसकी माँ घर आती है। दीपाली खाना पकाने में माँ की मदद करती है। उसके पिताजी देर रात को ही घर लौटते हैं। दीपाली रात को बिस्तर में फिर लेट कर अपनी बहनों को स्कूल की किताबें पढ़ाती है और वहाँ 3री कक्षा में तक पढ़ी है। 3 साल पहले उसका छोटा भाई पैदा हुआ, तब से दीपाली को घर में रहना पड़ता है। उसका ध्यान रखने के लिए वह फिर आगे नहीं पढ़ पाई। दीपाली को लगता है कि किताबें पढ़ने से उसके दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। शायद आज भी वह मौका है मिले कि वह स्कूल जाना चाहेगी। अब दीपाली ने स्कूल में दाखिला वापस ले लिया है और वह स्कूल अब रोज जाती है। तो कहने का मतलब एक लड़की है बेचारी जो अपने स्कूल में स्कूल जाती है और वहां पर अपने लिए सब सामान लाती है और अपने उसके काम में दिन भर लगी रहती है। अंत में जब देखा उसके भाई बहन भी पढ़ते हैं तो फिर अंत में वह भी पढ़ने लगती है और साथ हमें देखने सुनने से भी एक तरह की हमें प्रेरणा मिलती है जिससे हम उस कार्य में लग जाते हैं, क्योंकि बच्चों का समय यही होता है। नहीं तो जब सब उम्र निकल जाती है तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है। हमें भी अपने बच्चों को समय से पढ़ाना चाहिए और समय से उनके कार्य करना चाहिए। अब इसमें दिया गया है परिवार के लोग क्या क्या काम करते हैं। तो परिवार के अलग अलग लोग अलग अलग कार्य करते हैं। परिवारों के विषय में बताया गया है कि परिवार में सबकी अलग जिम्मेदारी होती है। जैसे माँ घर का भोजन पकाती है, घर के काम करती है या बड़ी बहन करती है। साथ में हमारे पिताजी कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, जैसे फलों की दुकान है, सब्जी की दुकान है या अन्य कार्य है, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं या कुछ भी कार्य करते हैं, मिस्त्री हैं, तो वह उनका कार्य है क्योंकि उनको कुछ पैसे कमा के अपने घर लाना है जिससे अपना खर्च चलाना है। इस तरह से माँ है, माँ अपने घर की जिम्मेदारी संभालती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, वह उसका कार्य है। बच्चों का कार्य है पढ़ना। हम अर्थात हमारे कहने का अर्थ ये हुआ कि हम सभी को अपने अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना जरूरी है, हमें कार्य करना चाहिए। यहाँ पर बच्चों यही बताया गया है कि यहाँ जो है आपको निरंतर कार्य करते रहना है और अपने कार्यों में डटे रहना है। हाँ तो बच्चों आज जो है अब ये पाठ आपका इसका सारांश यही है कि हमारा जो है पाठ पूर्ण होता है
और यहाँ पर यही बताया गया है कि सभी लोग जितने भी कामदार होते हैं सब अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं, सभी का समय इसी तरह बीतता है और हम सभी को चाहिए कि हमें अपने कार्यों में अपने कर्तव्य में डटे रहना चाहिए, कहीं भी कार्य से हटना नहीं है और किसी भी तरह से अपने आप को कार्यों से माने मुंह नहीं चुराना है, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हमें पढ़ना है, पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ करना है। कोई जरूरी नहीं कि हम नौकरी ही करें, जो कार्य हमारे सामने हमारी रुचि के अनुसार मिल जाता है तो हमें उस कार्य को करना है, समय नहीं बर्बाद करना। यही इस पाठ में सारांश है कि हम सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहिए। थैंक यू।